मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो आप लोग अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो श्रीदेवी जी की मृत्यु के ठीक 15 मिनट पहले का है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। जो व्यक्ति 15 मिनट पहले तक बड़े आराम से डांस फ्लोर में डांस कर रहा होता है, वही व्यक्ति अचानक से 15 मिनट के बाद कैसे बाथटब में बेसुध होकर गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। और तो और, श्रीदेवी जी की मृत्यु के बाद बताया ये जाता है देशवासियों को कि वो शराब के नशे में थी और नहाते वक्त वो बाथटब में गिर गई, जिसके चलते उनकी जान चली गई, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। इनका भी केस सुसाइड का केस बताया गया था। अभी आपकी स्क्रीन पर आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये श्रीदेवी जी की ऑटोप्सी एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो कि इंडिया की तो बिल्कुल भी नहीं, ये यूएई की है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की। और इस डॉक्यूमेंट के नीचे वाला पार्ट को अगर आप सब लोग ध्यान से देखेंगे तो कंक्लूजन में बताया गया है साफ साफ कि नॉट अ नेचुरल डेथ एंड द बॉडी शोज नो साइंस ऑफ ब्लोटिंग टू एम्फसाइज दैट द विक्टिम वॉज थ्रोन इनटू द बाथ टब व्हेन देयर वॉज नो पल्स। इस बात का मतलब मैं आप सबको समझा देता हूँ कि जो विक्टिम थी यानी श्रीदेवी जी, उनको पहले ही मार दिया गया था और जब वो मर चुकी थी, जब उनके भीतर सांसें नहीं बची थी, तब उन्हें किसी के द्वारा बाथटब में फेंक दिया गया था। इस रिपोर्ट में और भी ढेरों चौंका देने वाली बातों का खुलासा किया गया है। आप इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर पढ़ेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सबको दी। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।